नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई, कुछ कंट्री ऐसी हैं जिसमें आप बिना वीज़ा के उन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। 16 कंट्री ऐसी हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है, सरकार की तरफ से ये बताया गया है। हालांकि इस पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे कि भाई कौन कौन सी कंट्री है, वो तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। 16 देश ऐसे हैं जहाँ पर आप बिना पास बिना वीज़ा के उस कंट्रीज़ में जा सकते हैं। बाकी कुछ 43 कंट्रीज ऐसी हैं कि वहाँ पहुँचते ही आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। 36 कंट्री ऐसी हैं 36 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको ई वीज़ा मिल जाता है, आराम से ई वीज़ा की सुविधा देते हैं। तो कुछ डिटेल से पूरी बात कर लेते हैं भाई, कौन कौन सी कंट्री आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं जिसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता है। वीडियो पूरी देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि यूरोपीय कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ऐसे 16 देश हैं जहाँ पे आप बिना वीजा के उस कंट्रीज में आप एंट्री कर सकते हैं, 16 कंट्रियों में। तो उनका नाम मैं बता देता हूँ आपको। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस से 16 कंट्री ऐसी हैं जो साधारण पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं। जी हाँ, इसमें इन कंट्रीज़ में आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बाकी विस्तार से भैया अलग से वीडियो बनाएंगे, वो हम आपको बता देंगे। भारतीयों को मुफ्त वीज़ा देने वाले में बारबाडोस, भूटान, डोमिनिका, ग्रेंडा, हेती, हांगकांग, एसआर, मालदीव, मॉरिशस, मोंटसेराट, नेपाल, नीयू द्वीप, सेंट विसेंट, ग्रेट डाइन्स, समोवो, सेनेगल, सर्बिया, त्रिनिदाद, टोबेगो का नाम शामिल है। जी हाँ साथियों, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको भाई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पासपोर्ट लेके जाओ और अंदर घुस जाओ। जी हाँ, आगे बताया गया श्रीलंका, न्यूजीलैंड, मलेशिया समेत 36 ऐसे देश हैं जहाँ पे पासपोर्ट धारकों को ई वीज़ा सुविधा प्रदान करते हैं। ई वीज़ा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप अभी जा रहे हैं, ऑन अराइवल वीज़ा अलग चीज़ होती है, ई वीज़ा का मतलब आप ये 36 कंट्री ऐसा है जहाँ पे ई वीज़ा मिलता है, आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अपने पास जेब में डाल के जा सकते हैं, डायरेक्ट उस कंट्री में आप एंट्री कर सकते हैं। सरकार का आगे टारगेट मेन ये उद्देश्य इस वीडियो में बताने का ये है कि सरकार और कंट्रीज के साथ कुछ वार्तालाप चल रही है, समझौते चल रहे हैं, अग्रीमेंट अगर सरकार की संधि के तहत हो जाते हैं तो और भी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर आपको बिना वीज़ा के उन कंट्रीज में जाने का मौका मिल सके, आपकी यात्रा सुगम हो, आपका बिना पैसा आप आदान प्रदान आप आ जा सकते हैं। जी हाँ, ये सरकार की आगे की जो रणनीति है वो इसमें बताई गई। बस में ये छोटी सी अपडेट आपको देनी थी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे आपको कि भाई इन कंट्री में बिना पैसे जा सकते हैं, ये माजरा पूरे आने वाले सीरीज पे हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।